हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके सामने जब आप स्क्रीन पर देखते हो तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग करता रहता है। ये डॉट ब्लिंकिंग करता रहता है। ये क्यों करता है और इसको कैसे फिक्स करना है, हम लोग सभी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर जो आपका सिस्टम है आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ब्लिंकिंग करने लग जाता है। ये क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने आपके सिस्टम के साथ यहाँ पर ऐसा कोई पेन ड्राइव है, जो आपका पास पेन ड्राइव है, अगर आपने आपके सिस्टम के साथ ये लगा के रखा है इधर, ठीक है, तो क्या होता है, ये जब भी आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखा है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखा है इस पीसी के साथ, ठीक है, जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे यहाँ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये ओनली ब्लिंकिंग करता रहता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से, जो ये यूएसबी है ड्राइव, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो लैपटॉप है या आपका कीबोर्ड है, यहां पर आपको कंट्रोल, अल्ट और डिलीट बटन एक साथ दबाने हैं तीनों। ये देखिए, यहां पर दबा दिया, यहां पर वो रिस्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहां पर अभी ये विंडोज स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग इस पर लॉगिन भी करेंगे। ये देखिए, यहां पर वो अभी एरर नहीं आ रहा है जो हम लोगों को पहले आ रहा था। ओके, यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन कर दिया। ये आपका एक कारण हो सकता है कि आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अगर ब्लिंकिंग आ रहा है तो आप चेक कर लेना कि जो आपका सिस्टम है वहां पर कोई आपने एक्सटर्नल पेन ड्राइव या फिर आपने कोई यूएसबी कोई भी हार्ड ड्राइव ना लगा के रखी हो, ठीक है, तो आप उसको हटा देना तो आपका ये चल जाएगा, ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रहा है ब्लिंकिंग का तो वो कैसे आपको ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।